हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके ग्रामीण क्षेत्र में या आपके घर में कोई विधवा महिला है तो उनको 2500 रुपये मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप उस लिस्ट में किसी भी विधवा महिला का नाम कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव दीजिए और ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले पाने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में अपने गूगल अकाउंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर साइड में 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और कर्सर को थोड़ा नीचे ले जाएंगे, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेस्कटॉप साइट का। इसके पास में दिए हुए स्क्वायर में आपको एक टिक लगा लेना है, जिससे आपका मोबाइल डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद गूगल के सर्च वाले ऑप्शन में आपको टाइप करना है WIDOW विडो PENSION, विडो पेंशन टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे विडो पेंशन टाइप करके सर्च करते हैं, आपके पास एक पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहां दोस्तों आपको सबसे ऊपर एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा निराश्रित महिला पेंशन, इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों हम निराश्रित महिला पेंशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कुछ समय के अंतर्गत हमारे मोबाइल में एक और पेज खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। कर्सर को थोड़ा नीचे ले जाएंगे तो एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेंशन सूची 2020-2021 का, इस पर दोस्तों हमको क्लिक कर लेना है। जो सबसे नई लिस्ट आई हुई है यहीं पे है दोस्तों, पेंशन सूची 2020-2021, इस वाले पे दोस्तों हमको क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप पेंशन सूची 2020-2021 पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सारे डिस्ट्रिक्टों का नाम दिया हुआ है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं दोस्तों यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं अपने डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, हमारे पास एक नया पेज खुल जाएगा और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत यानी हमारे ज़िले के अंतर्गत जितने भी विकासखंड हैं सारे विकासखंड के नाम आ जाएंगे। यहाँ से दोस्तों मुझे अपना विकासखंड चयन करना होगा, तो मैं दोस्तों यहाँ से अपना विकासखंड चयन कर लेता हूँ। आप भी अपने विकासखंड को चयन कर लीजिएगा। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ से अपने विकासखंड को चयन करूँगा, कुछ समय के अंतर्गत एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों मुझे अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी होगी। हमारे विकासखंड के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो सारी की सारी ग्राम पंचायतें यहाँ पर आ गई हैं। यहाँ से दोस्तों आपको अपनी ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करना होगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पे कर्सर को थोड़ा नीचे ले जाऊँगा और अपनी ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लूँगा। आप भी दोस्तों अपनी ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, कुछ समय के अंतर्गत हमारे मोबाइल में एक और पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मेरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 गांव आते हैं, बबनौली और अछौली, और इसके सामने देखो दोस्तों कुल एक ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जिसमें मैं 2 स्क्वायर बना दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं 9 और 14 लिखा हुआ है। इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है, जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है इस पर दोस्तों हमको क्लिक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ, बबनौली वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ 9 वाले पे। तो हमारे पास दोस्तों एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा और यही दोस्तों फाइनल पेज है, जहाँ पे आपको दिखाई देगा किन किन महिलाओं को भेजा गया है 2500 रुपये। तो दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, तमाम जानकारियाँ दोस्तों यहाँ पे खुलकर सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों चलिए मैं एक किसी को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीना मोहम्मद साहिद, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 1000-1500 टोटल 2500 रुपये दोस्तों इनको भेजे गए हैं। बैंक है इनका, देख सकते हैं दोस्तों तमाम डिटेल खुलकर सामने आ चुका है। और ऐसे जितने लोगों को भेजा गया है दोस्तों सारी की सारी जानकारी यहाँ पे खुलकर सामने आ गई हैं। तो दोस्तों आप भी जाइए गूगल पर सर्च करिए और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए किनको किनको पैसे मिले हुए हैं, और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों यदि अभी तक आपको किसी भी गवर्नमेंट योजना का लाभ मिला है मोदी सरकार के, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमको पता चल सके कि मोदी सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ किनको किनको मिला है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।